वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पुलाव खाना सबको पसंद होता है, तो मेरी आज की रेसिपी है मटर पुलाव बनाने की। मैंने इस पुलाव में मटर ऐड की है, आप चाहे तो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप मेरी बहुत ही टेस्टी और अच्छी अच्छी रेसिपीज देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पुलाव बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1.5 कप चावल, और ये बासमती चावल यूज़ किए हैं मैंने, और लिया है 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 काजू, और साबुत मसालों में लिया है तेज पत्ता, ये 2 पत्ते लिए हैं मैंने, 15 से 20 साबुत काली मिर्च, 4 लौंग, 4 छोटी इलायची, और इनको मैंने इस तरह तोड़ लिया है, और 1 बड़ी इलायची, इसको भी मैंने हल्का सा तोड़ लिया है, और 2 इंच दालचीनी, 2 से 3 टेबल स्पून घी, 1/2 कप मटर, और ये जो चावल का मेजरमेंट है मैंने इस छोटे ग्लास से किया है, और इसी ग्लास से मैं पानी का भी मेजरमेंट करूंगी। तो 1.5 कप चावल बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 ग्लास पानी। अब सबसे पहले ये जो चावल लिए हैं उनको एक बाउल में पलटकर 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। अब ये मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया है, अब इसमें पानी डालकर इनको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। अब गैस पर एक प्रेशर कुकर रखेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। इसमें जो 2 टेबल स्पून घी लिया हुआ है उसको डाल देंगे, और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें ये जो मसाले लिए हुए हैं उनको डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग। अब इनको डालने के बाद हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए करेंगे। काजू भी डाल देंगे अभी इसमें। अब काजू डालकर इनको लगभग 1/2 मिनट तक भून लेंगे। अब काजू को हल्का सा भूनने के बाद इसमें जो मटर ली हुई है उसको डाल देंगे। ये मैंने फ्रेश मटर को यूज़ किया है, आप चाहें तो फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब मटर को लगभग 1 मिनट तक इस तरह चलाते हुए पका लेंगे। अब मटर को फ्राई करने के बाद इसमें जो चावल भिगो कर रखे हुए हैं उनको डाल देंगे। और चावल डालने से पहले जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको निकाल देंगे चावलों से। अब मिक्स कर देंगे इनको अच्छे से। अब इसमें नमक डाल देंगे, मिक्स कर देंगे नमक को। इस पूरे प्रोसेस में जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम रखना है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 1.5 छोटे ग्लास चावल के लिए 1.5 छोटा ग्लास पानी लिया है। तो पुलाव बनाने के लिए जिससे आप चावल का मेजरमेंट करेंगे उसी से पानी का मेजरमेंट करें, और दोनों के अमाउंट को इक्वल रखें। अब मिक्स कर देंगे सभी को अच्छे से। अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और हाई मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इनको पकने देंगे। अब 1 विशल आने के बाद गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, और अभी कुकर को ऐसे ही छोड़ देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। अब 7 से 8 मिनट के बाद जो कुकर है उसको खोल लेंगे। अब जो पुलाव है वो बनकर रेडी है, अब चला देंगे अच्छे से, और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बना है, एकदम खिला खिला। अगर आप चाहें तो सर्व करने से पहले ये जो तेज पत्ता है उसको निकाल सकते हैं पुलाव से। अब पुलाव को सर्व करने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। मटर पुलाव घर पर बनाना बहुत आसान है, और इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर बनाकर देखें, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।